यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो अस्थाई इसका टेस्ट नंबर 15 है, ठीक है, जो अस्थाई इसका टेस्ट नंबर 15 है तो यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। जैसा कि 14 नंबर पेपर तक ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका था, ये 15 नंबर पेपर यहाँ पर रहेगा, फुल लेंथ टेस्ट आपका रहेगा 15 नंबर, उसके बाद फिर 16 नंबर टेस्ट लेके आएंगे, राइट। तो देख लेते हैं क्या यहाँ पर क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, विभिन्न वेदों से संबंधित पुरोहित में से कौन सम्मिलित यहाँ पर नहीं है, पुरोहित में से कौन यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहले का आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ से अथर्ववेद विश्वामित्र, ठीक है। अगला देखते हैं, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन यहाँ पर किया गया है, ठीक है, तो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किसका वर्णन किया गया है, ये किया गया आपका सिंधु नदी का, ठीक है, सिंधु की जो है सबसे अधिक बार इसको ले किया गया और सरस्वती पवित्र इसमें सबसे पवित्र नदी वहाँ पर बताया गया, ठीक है। थर्ड नंबर है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, तो तीसरे का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, शेर शक्ति की प्राप्ति को दर्शाता था, ठीक, ये आपका गलत हो गया। अगला देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही रूप से सुमेलित है, मतलब कौन सा जोड़ा जो यहाँ पर ये सही रूप से सुमेलित है आपको ये बताना है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका चौथे का हो जाएगा, फोर्थ का आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, का अरिष्टिनोमी, अरिष्टनेमी संघ, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शैक्षणिक संस्थानों और उनके संस्थापक के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है इनमें से, ठीक है, तो पांचवें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पांचवें का ए यहाँ से करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा, तक्षशिला, तक्ष ये सुमेलित यहाँ पर नहीं है इसमें, तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भारत ने की थी, उसका नाम तक्ष के नाम पर रखा गया था, ठीक है। अगला क्या है, छठा नंबर क्वेश्चन, हर्षवर्धन द्वारा वल्लभी विजय का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर छठवें का सी, नौशासी ताम्रपत्र अभिलेख। सातवां क्वेश्चन है, चोल कराधान प्रणाली, ठीक है, चोल कराधान प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इनमें से, ठीक है, कौन सा कथन इनमें से सही है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सातवें का, सातवें का बी यहाँ से करेक्ट आंसर, केंद्र और राज्य में अलग अलग कर, ये इसका जो चोल कराधान प्रणाली थी उसमें ये इसके बारे में सही है। आठवां नंबर, अकबर द्वारा प्रवर्तित दीन इलाही नामक धर्म का उद्देश्य निम्न में से क्या नहीं था, ठीक है, क्या नहीं था इनमें से, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका जो नहीं था इसमें से, तो नहीं में से कुछ नहीं है, बाकी सभी बातें यहाँ पर इसमें इसके द्वारा बताई गई थी, तीनों बातें बताई गई थी, ठीक है। अगला देखते हैं नौ नंबर क्वेश्चन, नौ नंबर क्वेश्चन है, मुगलों ने चित्रकला में विशिष्ट योगदान दिया, उनके समय में चित्रकला को बहुत ही प्रसिद्ध मिला, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, ठीक है, तो नवे का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, नवे का जो आंसर होगा आपका, नवे का आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, ठीक है, एक दो तीन चार, तो सभी क्या है सत्वचन बचाना है, तो आपको सही चारों बातें यहाँ पर इसकी करेक्ट है। दसवां नंबर, बंगाल का विख्यात संत चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन थे, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका दसवें का हो जाएगा ए, अलाउद्दीन हुसैन शाह। अगला ग्यारह नंबर, शेर शाह ने औसत उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लेना सुनिश्चित किया था, तो ग्यारह नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ग्यारह का आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक बटे तीन भाग। बारह नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष अकबर ने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की तथा जजिया कर को समाप्त कर दिया, ठीक है, समाप्त की तथा जजिया कर को भी समाप्त कर दिया, तो करेक्ट आंसर इसका 12 का हो जाएगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर 1563 तथा 1564। तबकात अकबरी नामक पुस्तक की रचना किस रचनाकार द्वारा की गई थी, तो 13 का करेक्ट आंसर होगा आपका, 13 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने शाह आलम धरती की उपाधि धारण किया था, ठीक है, किसने किया था, तो करेक्ट आंसर आपका 14 का हो जाएगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का, अली गौहर। 15 है, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के सर्व प्रमुख सामाजिक देन क्या है, ठीक है, क्या है, करेक्ट आंसर 15 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, सहयोग के वातावरण का निर्माण। अगला है 16 नंबर, पागलपंथी विद्रोह से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, कौन सा कथन यहाँ पर असत्य रहेगा, तो 16 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, करम शाह का पुत्र टीपू इस आंदोलन से अलग रहा था, ये कथन गलत है इसका, ठीक है। 17 नंबर देखते हैं, 70 नंबर है, रहत वाली व्यवस्था लागू की गई थी, जो रहत वाली व्यवस्था थी वो लागू की गई थी, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा 17 का बी यहाँ से करेक्ट, मद्रास बम्बई और असम, ये मैं बता चुका था, तो जो मद्रास बम्बई और असम के अधिकांश भागों में क्या है इसको लागू किया गया था, जो व्यवस्था रहत वाली 1792 में इसको पहली बार, ठीक है, 1792 में पहली बार इसको मद्रास के 12 माइल में लागू किया था, थॉमस मोनरो इस समय क्या है इसके मद्रास का गवर्नर था। 18 नंबर, रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असंबद्ध है, मतलब इसमें से संबंध नहीं है इसका, 18 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, हंटर कमीशन की रिपोर्ट पर इसे वापस ले लिया गया था, ये इसका क्या होगा गलत होगा, राइट। अगला है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है, असहयोग आंदोलन से संबंधित में से कौन सा कार्य नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका 19 का हो जाएगा,
19 का आंसर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। डी, विधायिका में प्रवेश करके गतिरोध फैलाना, ये क्या है, असहयोग आंदोलन में संबंधित ये चीज नहीं था इसमें, राइट। अगला क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सुमेलित यहाँ पर 20 में नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, भारत का जो उद्धारक था लॉर्ड कर्जन, ठीक है, जो आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल था, ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ब्रिटिश नर्स जो आपकी संख्याविद और समाज सुधारक थी, ठीक है, जिन्होंने आधुनिक नर्सिंग मूलभूत इनको दार्शनिक भी बनाया था, राइट, इन्हें ही लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी थी, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्या, 21, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसानों और श्रमिकों के आंदोलन के बारे में निम्नलिखित असत्य कथन पर विचार करना है, जो असत्य कथन है उस पर बताना है कौन सा असत्य होगा, तो करेक्ट आंसर आपका 21 का हो जाएगा, 21 का डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई यहाँ पर गलत कथन नहीं है, तीनों बातें क्या है एकदम सही है, ठीक है। अगला देखते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन, 22वां नंबर क्वेश्चन है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया था, तो करेक्ट आंसर 22 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर, चोरी द्वारा कांड, 23 के मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, सही कथन कौन सा 23 में, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 23 का डी, उपयुक्त में से सभी कथन यहाँ पर इसके सही हैं। अगला क्या है, 24 नंबर, 24 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य बहावी आंदोलन से संबंधित नहीं है, बहावी आंदोलन में से कौन सा तथ्य संबंधित नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 24 का बी, यह हिंसात्मक गतिविधियों पर आधारित था। 25, प्रार्थना समाज से संबंधित तथ्यों पर कौन सा कथन गलत है, असत्य है, ठीक है, कौन सा कथन असत्य गलत होगा, तो 25 का डी, सामाजिक सुधारक की तरफ इसका दृष्टिकोण प्रतिकूल था, ये इसका क्या होगा, इसका असत्य कथन होगा यहाँ, ठीक है। अगला देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन को, 26 क्वेश्चन है, 1946 में रॉयल भारतीय नौसेना के विद्रोह से पहले नेवल सेंट्रल स्ट्राइक के अध्यक्ष किससे चुना गया, तो 26 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, 26 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, MN खान, ठीक है, MS खान। अगला क्या, 27, कैबिनेट पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सत्य कथन का चयन करना है 27 में, ठीक है, तो 27 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, यहाँ से बी में क्या है, 2 और 3 यहाँ पे आपका सही आंसर होगा, ये पहला क्या राष्ट्रमंडल के सदस्य के सत्याग्रह में भारतीय अधिकार को मानता रहता है, ये गलत है इसका, ठीक है। 28 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, भारत छोड़ो प्रस्ताव, शिमला और भूदान आंदोलन, माउंटबेटन योजना, इसमें आपको मैचिंग करना है, ठीक है, तो मैच करते हैं। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 कहाँ पर है, 8 अगस्त 1942 आपका ए का 2 आ जाएगा, ठीक है, ए का 2 कहाँ पर है, ए का 2 सिर्फ इसमें ही आ रहा है और कहीं पर ए का 2 नहीं, तो आपको आगे देखने की जरूरत ही नहीं, तो सी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी आप मैच कर लेंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। 28, 29, महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा है, महात्मा गांधी के अनुसार पूछा है, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा अपने अकॉर्डिंग यानी बताना है। 29 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वीर की अहिंसा, ए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। 29, 30 नंबर देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो संघ दिए हैं कुछ संगठन और आपके उदारवादी सुधारवादी जो नेता हैं वो दिए हैं, तो उसमें कौन कौन से थे इसमें वो आपको बताना है 30 में, ठीक है, तो मैच कर लेते हैं, देखते हैं। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, आत्मीय सभा राजा मोहन राय ए का टू 2 में आ रहा है, तो धर्मसभा रमाकांत देव होगा, ठीक है, और भारतीय सुधार संघ क्या होगा, भारतीय सुधार संघ आपका हो जाएगा केशव चंद सेन, ठीक है, और आर समाज आपका हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, तो इसका इसके साथ मैच करेंगे तो आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा 30 का ए। अगला क्या, 31, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित यहाँ पर नहीं है 31 में, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, भाग 3 राजकीय निषेधक तत्व, ठीक है, ये क्या है आपका जो DPSP की जो है आपका हमारा संविधान के जो आईजी संविधान से लिया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 45 से आया है, भारत के संविधान के ये भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में इसको वर्णित किया गया है। अगला देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से 32 में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 20 से 22, ठीक है, अनुच्छेद 23 हमने यहाँ पर बल किया, ठीक है। अगला देखते हैं 33, भारतीय संविधान द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के बाद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन बरकरार रहता है, यह प्रावधान किस देश से लिया गया है, ठीक है, 33 का आंसर आपका हो जाएगा ए, जर्मनी, इसका करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित यहाँ पर नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी, ग्राम पंचायतों के गठन की सहायता करना, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला क्या, 35, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार न्यायपालिका द्वारा अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में यहाँ पर घोषित किए गए हैं, तो 35 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी बातें यहाँ पर करेक्ट है इसकी, ठीक है। अगला क्या है, 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय जो आपका है उसमें एक अभिलेख न्यायालय है, इसका तात्पर्य क्या है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय इसका क्या तात्पर्य है, तो करेक्ट आंसर आपका 36 का हो जाएगा बी, 36 का बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐसे न्यायालय जो आप माना कृषि दंड को यहाँ पर देने की शक्ति है,
37 निम्नलिखित में से कौन से चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग की देखरेख में आयोजित नहीं किए जाते हैं? ठीक है, नहीं किए जाते हैं। करेक्ट आंसर 37 का सी, राज्य के स्थानीय निकाय का चुनाव आपके जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग उसके देखरेख में नहीं किए जाते हैं। 38 निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित यहाँ पर नहीं है, अनुच्छेद यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, 38 में तो करेक्ट आंसर 38 का हो जाएगा, ए यहाँ से हो जाए, अनुच्छेद 312 लोक सेवा आयोग के कार्य। ठीक है, तो 312 है राज्यसभा का, राज्यसभा का विशेष बहुमत होता है ना कि इसके लोकसभा के कार्य। ठीक, गलत हो जाएगा, लोकसभा के कार्य ये गलत हो जाएगा, आपका हो जाएगा राज्यसभा के विशेष बहुमत। ठीक है, 39 भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी? करेक्ट आंसर आपका 39 का बी, सामूहिक रूप से लोकसभा के व्यक्ति, लोकसभा व व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। 39 बी। 40 निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है? कौन संवैधानिक निकाय 40 में? करेक्ट आंसर आपका 40 का हो जाएगा डी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ये आपका क्या है, या जो आपका है ये संवैधानिक निकाय है। ठीक है, संवैधानिक, ठीक है, तो ये क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय रूप में गठित किया गया था। 102वां संविधान संशोधन था। ठीक है, जो 102वां संविधान संशोधन था 2018, इसका पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC जिसको बोलते हैं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कमीशन, ठीक है, इसको संवैधानिक दर्जा यहाँ पर प्रदान करता है। इसमें 5 सदस्य होते हैं जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य यहाँ पर शामिल होते हैं। अगला क्या है, 42 नंबर क्वेश्चन, 41 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से यहाँ पे देखो फिर से मैच करना है। देखो वित्त आयोग आपका 280 सबको पता ही होगा, अभी मैंने बताया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का कौन सा अनुच्छेद है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखो इस टाइप से आप मैच करेंगे तो एक दो अगर आपको मैचिंग आती होगी तो यहाँ से पूरे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, 280 आपका वित्त आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग आपका हो जाएगा आर्टिकल 340, और चुनाव आयोग आपका हो जाएगा 324, और अनुच्छेद 344 आपका हो जाएगा राजभाषा आयोग। तो सीधे सीधे सब मिल रहा है, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर होगा, वो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 41 सी। 42 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित यहाँ पर नहीं है? ठीक है, 42 का कौन सा यहाँ पर युग्म सम्मिलित नहीं है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 42 का सी, गन्ने की रेड रॉट मेलेमसोरा लिनी, ये इसका सम्मिलित यहाँ पर नहीं है। लाल सड़न गन्ने का जो सबसे भयंकर रोग होता है जिसे गन्ने का कैंसर भी कहते हैं, यह रोग कोलेस्ट्राइकस, ठीक है, कोलेट्रोटाइकस होता है, ये फले केमट जो नामक फफूंद होता है उसके द्वारा यहाँ पर होता है। ठीक है, ये यहाँ पर नहीं होगा। अगला क्या है, 43 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन आवश्यक रूप से होते हैं, प्रोटीन में आवश्यक रूप से होते हैं क्या? तो करेक्ट आंसर आपका 43 का हो जाएगा सी, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन। खाना पकाते समय दौरान कौन सी विटामिन आसानी से नष्ट हो जाती है? इंपॉर्टेंट है। 44 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, 44 सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी। 45 लाल सवाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से विकल्प यहाँ पर सही नहीं है? तो 45 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, 45 का यहाँ पर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल सवाल का, लाल थैलस अधिकांशता एक कोशिकीय होता है। ठीक है, 46 नंबर देखते हैं, 46 है, निम्न में से कौन सी त्वचा कैंसर और त्वचा कोशिकाओं के लिए उच्च उत्परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है? तो 46 का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से, 46 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, 46 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओजोन के लक्षण ए। 47 थायराइड ग्रंथि से किस हार्मोन का स्राव होता है जो रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है? तो 47 का करेक्ट आंसर डी यहाँ से हो जाएगा, थायरोकैल्सिटोनिन प्रोटीन हार्मोन। ठीक है, डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाए। 48 निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आमाशय में पाया जाता है? तो 48 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 48 का ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्या, 49 नंबर, रक्त का कौन सा घटक रोग प्रतिरोधक से जुड़ा होता है? तो 49 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से सी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, श्वेत रक्त कोशिकाएं। 50 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? इनमें से कौन सा युग्म क्या है, गलत है, असत्य है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, श्वेत रक्त कोशिकाएं का निर्माण यकृत में होता है, ये गलत है। जो आपकी लाल जो रक्त कोशिकाएं हैं ये निर्माण वयस्क मानव शरीर में अस्थि मज्जा और भूड़ में समय पलिया से यकृत में होता है। ठीक है, कौन सी, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं नहीं। ठीक है, अगला क्या है, 51 नंबर क्वेश्चन, 51 क्वेश्चन है यहाँ पे 51 मैच करने को दिया, DNA, RNA, ATP और NADP। ठीक है, तो इसको मैच करते हैं, देखते क्या है 51 नंबर क्वेश्चन को। देखो DNA को अनुवांशिक गुणों का वाहक माना जाता है। ठीक है, अनुवांशिक गुणों का वाहक माना जाता है। जो RNA होता है, ठीक है, RNA प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, राइट, प्रोटीन संश्लेषण बी का 3 हो जाएगा, ए का 1, बी का 3, ए का 1 और बी का 3, ए का 1, बी का 3 दो में आ रहा है। और देखते हैं ATP, राइट, जो आपका ATP है उसको ऊर्जा की इकाई होती है, ऊर्जा की इकाई, तो ऊर्जा की इकाई ATP हो जाएगी, सी का ऊर्जा की इकाई सी का 2 हो जाएगा। ठीक है, सी का 2, तो सी का 2 सिर्फ आपका ए में आ रहा है, तो 51 का क्या हो जाएगा आंसर आपका ए। अगर सिर्फ ATP वाले से आंसर मारता है, ATP जो ऊर्जा की इकाई होती है, तो सिर्फ ए में ही आ रहा है ना, और किसी में नहीं है ये, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर्स
जिसका रूप एवं तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 52 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, एलिटेम। ठीक है, अगला क्या 53, नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में 2030 तक लक्ष्य 2030 तक का लक्ष्य नहीं है इनमें से। ठीक है, तो 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 53 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, यहाँ से इनमें से कोई नहीं, राइट, इनमें से लक्ष्य नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो सभी इसके क्या है, लक्ष्य हैं 2030 तक के। ठीक है, अगला क्या 54, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, 54, तो करेक्ट आंसर 54 का हो जाएगा डी, उद्दीप्ति विकिरण। अगला क्या 55 है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है या असत्य है? तो 55 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, है ना, 10,00,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 56, एक रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष अनुभाग में स्थिर होता है क्योंकि, शीर्ष में होता है क्यों होता है, क्योंकि, करेक्ट आंसर 56 का हो जाएगा, क्योंकि जो फ्रीजर खंड है उसमें फ्रिज का जो उद्दास्मक होता है वो शामिल होता है, जो वास्तव में गर्मी को निकाल देता है। फ्रिज में रखी वस्तु गर्मी के आसपास की जो वायु होती है उसमें स्थानांतरित हो जाती है, यहाँ हवा कम होता है और यहाँ पर क्या ऊपर जो चढ़कर जो आपका उद्दास्मक होता है, उद्दास्पक होता है, उसके संपर्क में आकर ठंडा हो जाता है, तो इस वजह से क्या है, फ्रिज को ऊपर, जो फ्रीजर होता है उसको ऊपर रखते हैं, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, सिर्फ 56 का बी। 57 नंबर क्वेश्चन, पारा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या सत्य कथन की पहचान करनी पारा के संबंध में? तो 57 का डी, सभी बातें यहाँ पर पारा के बारे में, तीनों बातें सही बोल रहे हैं। 58, किसी गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा का मान उसके मार्ग में प्रत्येक स्थान पर सदैव होता है कितना? 58, ठीक है, तो 58 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्थिर होता है। ठीक है, क्या होता है, स्थिर होता है 58 में। अगला देखते हैं, ऊर्जा केवल एक दूसरे के रूप में रूपांतरित हो सकता है, ना केवल उसको क्षय होता है और ना ही उसको उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, अतः हमारा जो रूपांतरण है वो पहले और रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है, राइट। अगला देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, 58 का ये हो जाएगा आपका 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका 59 का हो जाएगा, 59 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान को नाक गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ये इसका गलत होगा 59 का, छोटे छिद्र वाला जो अवतल दर्पण होता है ना कि उत्तल दर्पण यहाँ बोल रहा है, ये गलत हो जाएगा। 60, निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व नियम के उदाहरण है? तो 60 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी यहाँ पे जड़त्व के नियम के उदाहरण है। 61, यहाँ पे फिर से मैच करने को दे दिया आपको, मैच करके इसको देखते हैं, मैच करके क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, लाउड स्पीकर जो यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है, 61 में लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा में ध्वनि ऊर्जा में, ठीक, विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, तो आपका हो जाएगा एका थ्री सिर्फ बी में आ रहा है और कहीं पर एका थ्री, तो आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, 61 का बी, इस टाइप से आप आंसर निकालना होता है। 62, हाल ही में लॉन्च किए गए चैट बॉट GPT, चैट GPT का पूर्ण रूप क्या है? ये एक बार मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफार्मर। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है इनमें से? ठीक है, तो 63 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 63, बर्फ का पिघलना। 64, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धि को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त में लाती है उसे क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर 64 का हो जाएगा डी, चुंबकीय पृथक्करण विधि। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आज मैं इसको पार्ट टू में ही करा दूंगा, पार्ट वन पार्ट टू में, क्योंकि थोड़ा सा मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं कोशिश किया कि आज मैं ला दूं, वरना मैं शाम को पूरा पेपर लेके आता इवनिंग में, तो मैं सोचा कि आप पहला पार्ट करा देते हैं और इवनिंग तक मैं सेकंड पार्ट करा दूंगा। ठीक है, तो 65 नंबर क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करने का क्या प्राप्त होता है? तो 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। 66, कांच पर लिखने के लिए निम्न में से किस अम्ल का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है? 66 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल। 67, निम्नलिखित में से किस धातु को मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है? तो 67 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बी, 67 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम। 68 का, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं? ठीक है, तो 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्या 68 का डी यहाँ से हो जाएगा सल्फर। 69, घरेलू सिलेंडरों में से गैस लीक का पता करने के लिए रासायनिक प्रक्रिया से गंध उत्पन्न होने के लिए क्या मिलाया जाता है इनमें से? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 69 में, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इथेनी थियोल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है 70 नंबर क्वेश्चन है, LPG क्या है? LPG समानता एक दुर्गंध रहित गैस होती है जिसमें खतरनाक गैस रिसाव का पता लगाए जाने के लिए इथिनोथियोल जो मिलाई जाती है, जिससे समान भाषा में इथाइल मार कैप्टन भी कहा जाता है। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, धान की खेत से उत्पन्न होने वाली गैस के लिए जो आपका भूमंडलीय तापक्रम में वृद्धि का संबंध है वह क्या है? तो 70 का आंसर हो जाएगा आपका बी, मीथेन। 71, प्राकृतिक रूप से इमली में मौजूद अम्ल कौन सा होता है? इमली में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? 71 का आंसर हो जाएगा सी, कौन सा, टार्टरिक अम्ल। 72 क्वेश्चन है, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग
मिलाया जाने वाला या प्रयोग में आने वाला इक्वरेजिया, जो आपका इक्वरेजिया है, निम्नलिखित में से मिलाकर क्या बनाया था, ठीक है, जिसको अम्लराज बोलते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका 72 का हो जाएगा, 72 का आपका यहाँ से बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, इसके यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। तो इसका क्या होता है, इसको देखो बता, देखो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्रिक सांद्र आपका जो नाइट्रिक अम्ल होता है उसके 1:3 भाग को मिलाकर इसको बनाया था, ठीक है। अगला क्या है, 73, बाल्टिक सागर को निम्नलिखित में से कौन सी नहर जोड़ती है। तो करेक्ट आंसर 73 का ए, कील नहर, राइट, कौन सी, कील नहर, जिसे 1948 तक केसर या विलहेम नहर यहाँ पर इसको कहा जाता था। 98 किलोमीटर लंबी है या 61 मील इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, 74, निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जलवायु की विशेषता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 74 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्या, केवल शीत ऋतु में वर्षा, राइट, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो 74 मैं क्वेश्चन तक डिस्कस कर ले रहा हूँ, बाकी जो अगला पार्ट रहेगा मैं अगला पार्ट में, पार्ट दो में मैं डिस्कस कर लूँगा 75 से आपका 150 नंबर क्वेश्चन तक, ठीक है। तो अभी आप ये प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद अपना को टेस्ट भी लगाते रहिए। तो इवनिंग में मैं इसका पार्ट टू भी डाल दूंगा, तो वहाँ से पार्ट टू भी आप पूरा कवर कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा 40 मिनट्स या 45 मिनट्स में ये पूरा पेपर आप खत्म कीजिएगा, जितना मैं आपको 74 क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर 75 क्वेश्चन दूंगा, उसको भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो कोई डाउट रहता नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अभी देखो जो आज आपका पेपर होना है, आज UPSC का जो पेपर हो चुका होगा, UPSC का जो IAS का मेंस का पेपर है, 12 बजे ख़त्म होगा वो, ठीक है। तो मैं भी वो पेपर अभी यहाँ पर आपको डाल दूंगा, GS1 का जो पेपर रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा, GS2 का भी आज ही होगा, तो GS1 2 पेपर मैं वो भी आपको यहाँ पर डाल दूंगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।